हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं हूं जयपाल डीजे और आप देख रहे हैं जयपाल रिकॉर्डिंग स्टूडियो। जैसा कि दोस्तों आप लोगों ने थंबनेल तो पढ़ ही लिया होगा कि इस वीडियो में आपको फोटो एडिटिंग के बारे में बताया जाएगा, तो परिचय एक बार फिर देते हैं। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका जयपाल रिकॉर्डिंग स्टूडियो चैनल पे और मैं हूँ जयपाल डीजे। तो दोस्तों सबसे पहले हम अपने फोटोशॉप को ओपन करेंगे। देखिए हमने अपने फोटोशॉप को ऑलरेडी ओपन कर रखा है दोस्तों। तो दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले आपसे भी रिक्वेस्ट है कि आप वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आप यार वीडियो की बहाव में बह जाते हैं और वीडियो को लाइक करना भूल जाते हैं। तो ऐसा दोस्तों मत करिए, क्योंकि आप ही लोगों का सपोर्ट होता है जो कि हम लोग इस वीडियो को बनाते हैं दोस्तों। तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर चुके हैं तो साथ में बेल आइकन को दबा दीजिएगा, क्योंकि हम रेगुलर ऐसी वीडियो बनाते रहते हैं जिस वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक जरूर पहुंचे। तो दोस्तों हम फोटोशॉप को ओपन करते हैं, ठीक है दोस्तों। देखिए ये मेरा पीएस फोटोशॉप है, इसे मैंने ओपन कर रखा है और इसमें हम कोई जो है सबसे फर्स्ट पीरियड मैं इसमें कोई बैकग्राउंड ले लेता हूँ। जैसा कि दोस्तों मैं यहाँ से खुद का बैकग्राउंड क्रिएट करूँगा जिसकी साइज हम खुद अपने आप जो है क्रिएट करेंगे। चलिए ठीक है, 11:07 मेरा साइज है, मैंने साइज को ओके कर दिया। देखिए दोस्तों मेरा ये बैकग्राउंड हो गया, लेकिन अभी ये ब्लैक एंड वाइट है तो इसे थोड़ा हम कलर वगैरह दे देते हैं ताकि बैकग्राउंड कुछ अच्छा लगे दोस्तों। देखिए हम इसमें बैकग्राउंड अपने अनुसार देंगे। देखिए दोस्तों मैंने बैकग्राउंड अपना दे दिया है और यहाँ से हम खींच के यहाँ इतने पे ले आएंगे। मेरा बैकग्राउंड रेड कलर का होगा, मैंने इसी में जो अपनी फ़ोटो एडिटिंग किया है तो कुछ ऐसे ही कलर मिला के किया है जिससे थोड़ा यूट्यूब पे थंबनेल देखने में थोड़ा बहुत ही अच्छा लगता है दोस्तों। तो दोस्तों आपके पास ऑलरेडी PSD इमेज होना चाहिए, अगर हो नहीं है आपके पास तो आप हमें कमेंट्स करें, मैं आपको उसका लिंक दे दूंगा, तो उसमें कम से कम 50 PSD आपको मिल जाएंगे। देखिए दोस्तों मेरे पास कुछ ऑलरेडी PSD मैंने ओपन कर रखा है। देखिए ये सब PSD मैंने वीडियो एडिटिंग के लिए ओपन कर रखा है और मेरे पास ऑलरेडी कुछ मेरा जो PSD इमेज जो मैंने अपना खुद का इमेज बनाया हुआ है, ये सब सारे इमेज जो हैं आपको PSD मिल जाएंगे। तो इसके लिए आपको ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना पड़ेगा और आपको ऑलरेडी बने बनाए PSD मिल जाएंगे। तो आपको कुछ नहीं करना है, सिंपली इस प्रकार से PSD को छोड़ना है, वो ऑलरेडी फ़ोटो जो है जो क्रॉप होता है उसमें कुछ करना नहीं पड़ता है, इसीलिए PSD इमेज हम लोग बना के सेव कर देते हैं दोस्तों। जैसा कि आप अपने चूज के अनुसार फ़ोटो को उतना ही रखें जितना कि आपको अच्छा लगे दोस्तों। तो यहाँ से आप फ़ोटो को सेव कर दीजिए और जैसा कि मैंने बहुत सारे वीडियो में थंबनेल ऐसे ऐसे लगाए हैं जो बहुत ही अच्छे होते हैं और थोड़ा दिखने में भी अच्छा लगता है। तो जैसा कि अगर आप इसमें हम लाइट वगैरह का इस्तेमाल करते हैं तो लाइट वगैरह का भाई इसके लिए आपके पास PNG होना चाहिए। मेरे पास कुछ लिमिटेड PNG हैं, लेकिन फिर भी मैं आपको इस वीडियो में ज़रूर दिखाऊंगा लगा के, ठीक है दोस्तों। तो आप ये मेरा लाइट जो है ये सब PNG हैं, तो इसको हम अपने वीडियो में लगा करके और जो है फ़ोटो में लगा करके इसका इस्तेमाल करते हैं और फ़ोटो एडिटिंग में बहुत सारे ये PNG काम आते हैं दोस्तों। तो अगर ये PNG आपको चाहिए दोस्तों हमें कमेंट करिए और इस PNG को हम आपको ज़रूर देंगे, ठीक है दोस्तों। तो अभी मैं अपना PNG कुछ लगा देता हूँ। देखिए यहाँ से मैंने इस PNG को यहाँ पे ड्रॉप करके छोड़ दिया और इसका साइज जो है हम फुल कर देंगे। ये देखिए ये साइज मैंने इसका फुल कर दिया, लेकिन यहाँ से हम जाएंगे और एक बार हम नॉर्मल पे क्लिक करेंगे। देखिए अब यहाँ पे आप देख लीजिएगा ऐसे करके, ठीक है, ये आपका जो है ब्लैक एंड वाइट इमेज हो जाएगा। तो ये भी आपको जानकारी होगी, यहाँ से ब्लैक एंड वाइट हो जाएगा और यहाँ से कलर बर्न हो जाएगा, देखिए गाढ़ा कलर हो गया। जो भी आप चूज के अनुसार आप करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं। देखिए दोस्तों ये मैंने अपना जो है PNG लगा दिया और मेरा बैकग्राउंड भी नहीं हटा, ठीक है, मेरा लाइट भी लग गया और बैकग्राउंड भी नहीं हटा इमेज का और मेरा इमेज भी दिख रहा है। तो आप भी ऐसे लगा सकते हैं दोस्तों, ठीक है। तो लाइटन पे आ जाइएगा, लाइटन पे क्लिक कर दीजिएगा और इस प्रकार से आप अपने PNG को लगा सकते हैं। देखिए तो मेरा इमेज में फ़ोटो भी लग गया और
मेरा जो है ये बन भी गया फोटो। और इसमें जब हम कोई टैक्स लिखते हैं तो टैक्स का भी इस्तेमाल करना हम आपको इसी वीडियो में बताएंगे। तो जैसा कि इस पर हम डबल क्लिक करेंगे तो यहाँ टैक्स टूल पे क्लिक किया, आप मेरा टैक्स लिखना कहाँ क्या लिखना है इसमें, जैसा कि आपको हिंदी टाइपिंग करना है तो हिंदी यहाँ लैंग्वेज पे क्लिक कर दीजिए, अगर इंग्लिश टाइपिंग करना है तो इंग्लिश पे क्लिक कर दीजिए। तो जैसा कि मैं भी यहाँ इंग्लिश लिखूँगा तो देखिए मैं लिख दे रहा हूँ, खुद अपना ही नाम डालूँगा इस पे। आप कोई अच्छा सा कलर चूज़ कर लीजिए ताकि आपके बैकग्राउंड से कुछ मैच ना करता हो, वो कलर चुनिए कि आपके बैकग्राउंड से मैच ना हो। तो मैं ऑलरेडी वाइट कलर चूज़ करूँगा, वाइट कलर थोड़ा अच्छा लगता है मुझे थंबनेल बनाने में। तो यहाँ पे मैं लिख दूँगा, अपना ही नाम लिख दूँगा, DJ जयपाल प्रोडक्शन। ये रहा दोस्तों, मैंने अपना ही नाम इसमें लिख दिया। अब इसको हम कहाँ पे ले जाकर छोड़ना है मुझे, ये मेरे ऊपर है, यहाँ पे ला जाकर छोड़ देना है। देखिए दोस्तों, मैंने अपने टैक्स को यहाँ पे ले जाके छोड़ दिया, ठीक है। अब इसे कहाँ पे आपको रखना है ये आपके ऊपर है। देखिए आप इसका साइज मिला लीजिए कि आपका भाई ये टैक्स इधर उधर थोड़ा कटे ना, ज़्यादा कुछ इधर उधर ना जाए, ठीक है। तो आप अपने की मदद से आप कर सकते हैं, ठीक है दोस्तों। देखिए ये मेरा दिखने लगा, अगर इसमें कोई बैकग्राउंड भी लगाना है अपने टेक्स्ट में तो आप लियर पे आ जाइएगा, लियर स्टाइल पे आ जाइएगा। लियर स्टाइल पे आते समय सॉरी से आप इस टूल पे क्लिक है, मूव टूल पे क्लिक कर दीजिएगा और यहाँ पे अब आ जाइएगा लियर पे, सॉरी रॉन्ग हो गया, यहाँ पे आइएगा लियर पे और लियर स्टाइल पे यहाँ लिखा होगा स्ट्रोक, स्ट्रोक पे क्लिक कर दीजिएगा। तो आपका बैकग्राउंड जो है, जो भी आप रखना चाहे, देखिए मेरा ऑलरेडी ब्लैक बैकग्राउंड हो गया और यहाँ से मैं देखूँगा जो भी मेरा बैकग्राउंड अच्छा लगे, आप भी इसी प्रकार से कर सकते हैं। तो इसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं है फोटो एडिटिंग करने में दोस्तों, तो आप भी ऐसे ही कर सकते हैं, ठीक है। तो जैसा कि मैं ब्लैक एंड व्हाइट रखना चाहूँगा तो ब्लैक एंड व्हाइट भी रख सकता हूँ, और जैसा कि मैं अगर चाहूँ कि कलर रखूँ तो यहाँ मैं कलर भी रख सकता हूँ, लेकिन कलर उतना दिखेगा नहीं इसलिए इसका बैकग्राउंड जो है काला ही रहे तो भी अच्छा रहेगा, ठीक है। या मैंने बैकग्राउंड काला ही करके छोड़ दिया। अब जैसे मुझे अपने फोटो पे अगर बैकग्राउंड लगाना है तो भी मैं उसी प्रकार से लगाऊंगा, ठीक है। बस ऑलरेडी ये फोटो पे बैकग्राउंड मैं लगाऊंगा नहीं, क्योंकि फोटो पे बैकग्राउंड लगाने में मुझे अच्छा नहीं लगता है, वो दिखने लगता है कि आपने अलग से फोटो को क्रिएट किया है, लगाया है। जैसा कि आप लगाना भी चाहो तो यहीं से लगा सकते हो। देखिए स्ट्रोक पर क्लिक किया, बैकग्राउंड लग गया, अब ओके कर दीजिए, यहाँ पे बैकग्राउंड लग गया दोस्तों। तो बस दोस्तों, आप भी इसी प्रकार से इस वीडियो को फॉलो करते हुए आप अच्छी वीडियो एडिटिंग सीख सकते हैं, क्योंकि मैंने ऑलरेडी इसमें सब खुद अपने वर्किंग के अनुसार PhD इमेज भी बना रखा है और टेक्स्ट भी आप लोगों के सामने डाला है। फर्क क्या है, आपके पास हो सकती है लाइट ना हो, लाइट PNG ना हो, तो इस लाइट को अगर आपको डाउनलोड करना है लाइट PNG को तो आप हमारे डिस्क्रिप्शन से डाउनलोड कर सकते हैं दोस्तों। तो इसका डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे दूंगा जो जिप फाइल में रहेगा, उसमें कोई पासवर्ड नहीं रहेगा और ना ही मैं कोई पासवर्ड क्रिएट करके आपको दूंगा, ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों आप जाके हमारे जो है डिस्क्रिप्शन से इस PNG को डाउनलोड कर लीजिएगा और अपने फोटो एडिटिंग में यूज करिएगा, ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों जरूर है, आशा करता हूँ कि वीडियो आपको पसंद आ गई है दोस्तों। अगर पसंद आ गई, अगर आपको वीडियो एकदम मस्त, तो आप वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है दोस्तों। क्योंकि आप लोग जानते हैं कि मैं रेगुलर एक वीडियो बनाता रहता हूँ जो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होती है। तो दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।